नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेस के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक ब्रेक के बाद बेहद ही अहम न्यूज के साथ हाजिर हूं और जो न्यूज सामने आ रहा है बहुत ज्यादा चौंकाने वाला। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी पीओके के लिए बना रहे हैं खास प्लान। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत को देखते हुए जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसके बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ताक में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने पाक अधिकृत कश्मीर में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसके लिए बीजेपी ने एक खास किस्म का चुनाव अभियान लॉन्च करने की तैयारी में है। यहां तक कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि वो भारतीय चुनाव आयोग से आग्रह करेगी कि पीओके की 24 रिजर्व सीटों में से कम 8 पर चुनाव कराए जाए। आपको बता दें कि जम्मू एवं कश्मीर में कुल 111 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें से 87 पर ही भारतीय चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। हालांकि पाक और चीन अधिकृत कश्मीर की 24 विधानसभा सीटें रिजर्व रखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि जब यह क्षेत्र भारत को वापस मिलेगा तो इस 24 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। और जैसे कि साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 87 सीटों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28, बीजेपी के 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 और दूसरी छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ सीटें जीती थी। और इसके बाद बीजेपी और पीडीपी ने चुनाव के बाद गठबंधन करके पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। लेकिन साल 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के समर्थन वापस ले लिया और अब दिसंबर तक जम्मू एवं कश्मीर में फिर से विधानसभा होने की सुगबुगाहट हो रही है। बता दें कि बीजेपी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलावा चीन अधिकृत हिस्से के 24 विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव आयोग से कुल 24 में से 8 पर ही चुनाव कराने का आग्रह करेगी। असल में हालिया लोकसभा चुनाव में जम्मू एवं कश्मीर के कुल 6 सीटों में से 3 सीटों की विजयी हासिल की है बीजेपी ने। और इनमें सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी को घाटी में ज्यादा वोट मिले हैं, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा ट्रॉल विधानसभा क्षेत्र में मिला है जो कि दक्षिणी अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां तक कि पाकिस्तान के सटे इलाकों में भी चुनाव का बहिष्कार हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र में केवल 1.14% ही वोट पड़े थे। इनमें कुल 1019 लोगों ने वोट डाला था, लेकिन इतनी कम वोटिंग में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 323 और एनसी को 234 वोट मिले थे। दरअसल बीजेपी के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर के निवासी एक तिहाई से ज्यादा लोग एलओसी के इस पार प्रवास कर चुके हैं और ऐसे में अगर वहां के मतदाता इस पार आ रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें मतदान का मौका दिया जाए। इसके लिए बीजेपी ने जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के लिए एक फॉर्म की व्यवस्था की है, उसी तरीके से पीओके के प्रवासी भारतीयों के लिए भी यह व्यवस्था सुझाई गई है। बता दें कि एम फॉर्म के अनुसार कश्मीरी पंडित भारत के किसी अन्य क्षेत्र में रहते हुए अपना वोट दे सकते हैं। इसी तरीके से ये भी सुझाया गया है कि भारत में रह रहे पीओके से आए लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्रों के नाम लिखते हुए चुनाव में शामिल होने की छूट मिले और वो अपने एक फॉर्म में अपने पीओके वाले विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दे और वोटिंग में शामिल हो। हालांकि एम फॉर्म एक विस्तृत फॉर्म होता है जिसमें से अपने निवास और नागरिकता को लेकर के व्यापक साक्ष्य देने होते हैं। तो यह है एक बहुत बड़ा मामला जहां पर हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है बीजेपी और पीओके के लिए बना रहे हैं खास प्लान, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बता दें आज 30 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का फिर से शपथ समारोह कर रहे हैं। आज शाम को यह कार्यक्रम होगा 7 बजे राष्ट्रपति भवन में और दूसरी दफा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़े कदम उठाते हैं और पीओके को लेकर के कश्मीर को लेकर के वो क्या नई रणनीति बनाते हैं। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ दिलचस्प न्यूज़ को लेकर के। देखते रहें टुडेज न्यूज़ चैनल और आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस न्यूज़ को लेकर के आपके मन में क्या राय है, क्या विचार है, आप ज़रूर साझा करें। क्या ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी देश भर में कश्मीर में एक नया बदलाव लाने में सफल हो पाएगी? क्या भारत की जनता और भारत सरकार और तमाम जो संविधान के जो नियम है क्या उनके दायरे में रह करके मोदी सरकार कश्मीर में बदलाव लाने में सफल हो पाएगी, हाँ या ना, आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।